वी विल टॉक अबाउट द आईपेक नामेनक्लेचर, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट है. ठीक है, अगर आपको आईपेक नामेनक्लेचर आता है देन यू कैन, आप इजीली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको जो बेसिक है कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है चार होता है, फोर होता है, मतलब ये चार बॉन्ड बनाएगा कार्बन. ठीक है, कहीं पर भी देख लो, सपोज दैट आपका CH3, CH2, CS3 इस तरह से कोई कंपाउंड दिया है, उसको अगर आप ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे, खुला स्ट्रक्चर, तो आप पहले कार्बन को ड्रा करोगे, कितने कार्बन हैं, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को आप ड्रा कर लो. ठीक है, आफ्टर दैट आपको फुलफिल करना कितना करना है, चार वैलेंसी कार्बन का. तो यहाँ पे देखो, अगर चार वैलेंसी तो 1, 2, 3, 4 इस पे जाओगे तो दो यहाँ पे हैं और दो ये चार हैं, इसी तरह से ये हैं. ठीक है, और जो आपका वैलेंसी बना के आप उस वैलेंसी को हम हाइड्रोजन यहाँ पे हम रखते हैं. हाइड्रोजन क्यों रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, एक है. ठीक है, ये ऐसा एलिमेंट है जो एक बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से वैलेंसी को जो फुलफिल करेंगे वो हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे. ठीक है, इसी तरह से आप CH2, CH2 इसको हम C2H4 लिखते हैं, इथाइलिन होता है. तो इसमें क्या है, आपका कार्बन दो है, तो कार्बन का जो वैलेंसी हम फुलफिल करेंगे चार, वो आइदर आप सिंगल बॉन्ड से फुलफिल करो या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस तरह का सिचुएशन है. यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड से डिज़ाइन करना है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन्स आपके दिए हुए हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड के द्वारा उस हाइड्रोजन की कमी को पूरा करोगे. मतलब कार्बन आपके तीन तरह के बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल, एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे देखो, कार्बन दो बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बना लिया, दो मैंने दो हाइड्रोजन इसको दे दिया, दो इसको दे दिया, बट यहाँ पे क्या है, आपको डबल बॉन्ड इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पे और हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने से आपका कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका C2H2. ठीक है, C2H2 क्या होता है कि C2 यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है, हाइड्रोजन है दो, इसलिए हम एक इसको हाइड्रोजन दे देंगे, एक इसको देंगे, बाकी का आपका जो वैलेंसी चार कार्बन का कितना होता है, चार होता है, इसलिए हम एक ऑलरेडी है आपके पास, तीन बॉन्ड बनाएंगे तो इसका चार हो जाएगा. तो इस तरह से आप कार्बन का वैलेंसी आप फुलफिल करोगे. इसी तरह से अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे तो इस तरह से आ सकता है कि C4H10 का आप स्ट्रक्चर बनाओ, तो इस बेस पे आप बना सकते हो. ठीक है, H10 है यहाँ पे, मतलब कार्बन कितने हैं, चार हैं, तो 4, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10. ठीक है, 10 हाइड्रोजन है, तो आप सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसको फुलफिल करोगे. इसी तरह से कुछ कंडेंस फार्मूला होते हैं, मतलब इस तरह से अगर दिया है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंस फार्मूला. तो C4H10 का जो कंडेंस फार्मूला होगा वो कैसा होगा, इस तरह से होगा. ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CH2 का होल ट्वाइस. मतलब क्या है, CH2 कितने हैं, दो CH2 हैं, तो दो CH2 यहाँ पे लगाएंगे. और आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो जब भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब आपके बॉन्ड इस तरह से दिखेंगे, तो ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो फ्री एंड है, यहाँ पे कार्बन होता है, ये सारे कार्बन्स हैं, और कार्बन का वैलेंसी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि चार होता है, तो यू कैन फुलफिल दीज वैलेंसी बाय टू द कार्बन. तो वैलेंसी चार होता है, तो यहाँ पे तीन ये हो गया, तीन ये बना लेगा, एक ऑलरेडी है, 20 का दो ऑलरेडी है, दो हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल हो जाएगा. तो इस तरह से जो वैलेंसी आप फुलफिल करोगे, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा. तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर इसके डिज़ाइन कर सकते हो. फिर क्लासिफिकेशन बात करते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चैन दो भागों में डिवाइड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. साइक्लिक मतलब साइकिल में होंगे, एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे क्लोज हो जाए, मतलब इसको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स. दूसरे हैं आपके ओपन चैन या एलिफेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड. ओपन चैन क्या होते हैं, जो क्लोज ना हो. ठीक है, ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड, ये क्लोज कंपाउंड होते हैं. इनको दो भागों में डिवाइड किया, हेट्रोसाइक्लिक, ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होते हैं. होमोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक. यहाँ पे जो मेजर है आपका हेट्रोसाइक्लिक, मतलब क्या है, कोई भी आप जैसे इसमें क्या है, एक जैसे कार्बन ही कार्बन है, बट अदर आइटम अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते हैं तो इनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक. तो ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं. एरोमेटिक क्या होते हैं, अगर ये आपका हो गया साइक्लिक कंपाउंड, इसके अंदर अगर यहाँ पे सब सारे सिंगल डबल बॉन्ड हैं तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक. तो हाइड्रोसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक. यहाँ पे देखो मैंने बेंजीन रिंग बना दिया यहाँ पे. ठीक है, बीच में क्या है, इस तरह से आप इसको बना सकते हो. तो इसको हम दिखाते हैं कि ये तीनों जो बॉन्ड हैं ये साइक्लिक में होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पूरे रिंग पे होता है. ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आईयूपीएसी, कैसे आप लिखोगे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब लिखने का जो मेथड है उसको हम किस बेस पे लिखेंगे, आईयूपीएसी रूल पे. आईयूपीएसी क्या था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक कमेटी गठित हुई और उन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम नाम लिखते हो
तो इसको जो रूल्स आईपैक में दिए गए हैं उनके बेस पे ही आप लिखोगे। तो इस तरह से आप जैसे यहाँ पे क्या है, जो रूल्स दिया, सबसे पहले आप प्रेफिक्स लिखोगे, फिर वर्ड रूट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, सफिक्स लिखोगे। ठीक है, तो प्रेफिक्स आपके क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, ये हम जान लें। यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, इसमें आपके जो CH3, CH2, CH2, CH3 मतलब जो कार्बन है ये सारे, इसको बोलते हैं पेरेंट चेन, जो सीधी चेन है, पेरेंट चेन है। इसमें जो साइड में लगे हैं, ये क्लोरो आपका साइड में लगा है, एक्ट एज ए प्रेफिक्स। COH क्या है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये वो आप फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं सफिक्स, और ये सेकेंडरी है, ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफिक्स आपके इस तरह के हो सकते हैं, इसमें प्रेफिक्स है आपका क्लोरो, तो इसमें आप क्लोरो भी हो सकता है, अमीनो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, हाइड्रो भी हो सकता है, और एनोटो भी हो सकता है। तो ये सारे आपके क्या हैं, प्रेफिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड रूट क्या होता है, ये आपका वर्ड रूट है, मतलब कितने कार्बन हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जैसे ये स्ट्रक्चर, तो इसमें कितने कंपाउंड हैं, चार कंपाउंड हैं, तो चार कंपाउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, एक कंपाउंड है तो मेथ लिखेंगे, C2 के लिए एथ लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, सफिक्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सफिक्स अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी सफिक्स के लिए हम क्या लिखते हैं, COH आपका होता है, इसको बोलते हैं ओइक एसिड, CHO है तो AL बोलते हैं, और OH है तो OL बोलते हैं, CONH2 को एमाइड बोलते हैं। यहाँ पे अगर ये कंपाउंड है तो इसका अगर आईपैक नामन क्लेचर लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो प्रेफिक्स सबसे पहले आएगा। इसमें कोई प्रेफिक्स नहीं है, प्रेफिक्स क्या होता है, जो पेरेंट चैन के साइड में लगा हो, इसमें कोई साइड चैन नहीं है, ना तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें केवल आपका वर्ड रूट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब चार कार्बन कितने, चार हैं, चार कार्बन के लिए आप ब्यूट लगाओगे तो ब्यूट लगा लिया। सारे इसमें सिंगल बॉन्ड हैं, इसको अगर ड्रा करोगे जैसे मैंने बताया वो पे कैसे ड्रा करना है आपको, तो आपके सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसलिए इसको लिखेंगे ब्यूट प्लस एन, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। एन क्यों लिखेंगे, क्योंकि सफिक्स आपको लिखना है, क्योंकि इसके वर्ड रूट के आगे सफिक्स आता है, सिंगल बॉन्ड एन। इसी तरह से इसको लिखोगे तो ब्यूट, चार कार्बन के ब्यूट प्लस, इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखोगे, तो यहाँ पे लिख दो इन। इसी तरह से साइड में लगाए, मतलब प्रेफिक्स इसमें है तो क्लोरो आ जाएगा, कितनी पोजीशन पे है, 1, 2, 3, 4, तो 2 पे क्या है, यहाँ पे क्लोरो है, और चार कार्बन है तो चार के लिए क्या लिखोगे, क्योंकि प्रेफिक्स तो मैंने लिख लिया। अब नाम आता है वर्ड रूट का, वर्ड रूट क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं कितने कार्बन है, तो कितने कार्बन है, चार कार्बन है, चार के लिए आपका ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड सारे हैं एन हो गया। इसी तरह से इसको लिखो तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन, क्योंकि इसमें कोई आपका प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट कितना है, चार है, चार क्यों है, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन के लिए यहाँ पे ब्यूट लिख लिया, ट्रिपल बॉन्ड आगे सफिक्स आता है, और सफिक्स कौन सा है, प्राइमरी, तो यहाँ पे आयन लिख लो, तो ये हो जाएगा ये ब्यूटाइन। इसी तरह से इसको हम ब्यूटेन ओइक एसिड लिखेंगे, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड। अब ब्यूटेन क्यों लिखेंगे, क्योंकि चार कार्बन है, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है, तो एन ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन हो गया, प्लस COH लगा हुआ है, तो COH यहाँ पे लगा हुआ, तो ये कौन सा है, ओइक एसिड, तो यहाँ पे ओइक एसिड लिखोगे तो ई हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। ई इसलिए हटाएंगे, दोनों ये आपका ओइक है, इसको हम ओइक लिखते हैं, ए भी वाबेल है, ए भी वाबेल है, तो पहला वाबेल हम कैंसिल कर देंगे, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, इसमें देखो तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 2 पे क्या है, सबसे पहले आपका प्रेफिक्स आएंगे, तो प्रेफिक्स क्लोरो है और अमीनो है, तो 2 क्लोरो। अब यहाँ पे क्लोरो सी अल्फाबेटिकली क्या आता है, बाद में आता है अमीनो, 3 अमीनो क्यों लिखेंगे, क्योंकि तो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, 3 अमीनो, फिर क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, चार हैं, तो चार के लिए आपका ब्यूट आएगा, क्योंकि ये वर्ड रूट आगे आता है आपका, और ब्यूटेनोइक एसिड, ये आपका ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है सारे, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड आपका कौन सा है, सेकेंडरी सफिक्स। तो हम मैंने बोला था कि अल्फा ये ई हटा दोगे ओ आ जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, 3 अमीनो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है ना, अब इसको क्या, इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो प्रेफिक्स लगता है वो साइक्लो लगता है, और चार कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ये पॉइंट जो है कार्बन है, तो साइक्लो हेक्सेन इसको बोलेंगे, क्या बोलोगे, साइक्लो हेक्सेन, हेक्स 6 कार्बन के लिए है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको हम पिरिडीन बोलते हैं, कॉमन नेम इसका है पिरिडीन, इसको क्या बोलोगे, साइक्लो ब्यूटेन बोलोगे, चार कार्बन के लिए ब्यूट आता है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलोगे, साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, कुछ आपके
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हेट्रोसाइक्लिक, उनको आपको कॉमन नेम आपको ध्यान रखना है, इसको हम पिरिडीन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पायरोल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल बोलते हैं, बेंजिल, ये पोजीशन जो आपकी होती है बेंजिल होती है इस कार्बन तक, ये हेलाइड लगा है तो यहाँ पे बेंजिल हेलाइड लिख देंगे, इसको हम बोलते हैं फ्यूरॉन और इसको बोलते हैं थायोफिन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी रिगार्डिंग द आईपैक नोमेनक्लेचर, सो यू कैन सी एंड फोकस ऑन दिस टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बिकॉज अगर आप इसको आपको नहीं सही से आता है देन यू कैन नॉट नॉट अंडरस्टैंड द अदर थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस, ओके।